नमस्कार, मैं शत्रु कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन टूर। आपको बताते हुए चले कि हमारे मौजूद के भी एक ही मैथमेटिक्स के पास है और यह वही कोचिंग संस्थान है जिनके कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे, एक ही सर के नाम से एक वीडियो वायरल हुआ था जो पहाड़ पे, बिहार शरीफ पहाड़ पे उन्हें पीटा गया था। और फिलहाल उनका एक कोचिंग संस्थान भी चल रहा था एक ही मैथमेटिक्स के नाम से, और इसमें 11th 12th इंजीनियरिंग कराई जाती है। और फिलहाल आपको हम बताते हुए चले कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, जैसे क्या है, और पीछे में भी देखिए आप, यहाँ पे ये कोचिंग संस्थान बंद है। और बात करें सबसे जब से मैं यहाँ पे आऊँ ना, यही चीज़ देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से इस तरीके से मैं सुनने को मिल रहा है हमको कि सर काफ़ी अच्छे थे, उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे पढ़ाते भी थे। और टॉपर्स का लिस्ट लगा हुआ है यहाँ पे, 96-95% लाने वाले यहाँ पे बच्चे हैं और जो कि यहाँ से टॉप किए हैं। लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इससे जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कितने बच्चों का भविष्य भी खराब हो पा रहा है। जरूर यहाँ से बच्चे पढ़ रहे थे, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए यहाँ पे एडमिशन कराए थे और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए। और यहाँ पे उन्हें अब जो है कोचिंग संस्थान बंद हो पड़ा है। अब कितने दिनों तक ये बंद रहेगा इसका तो पता नहीं। जब हम बात कर रहे हैं, दो कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिया हुआ है, दोनों को मैंने प्रयास किया कॉल करने का, दोनों स्विच ऑफ बताया है। और जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि जिस तरीके से घटना जो सामने आया है और एक लड़की का जो मामला है, उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ, एक उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था देखते हुए, और उसके बाद ये कोचिंग संस्थान बंद पड़ा है अभी। और फिलहाल कब तक ये बंद रहेगा ये पता नहीं है। और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं लोग इनके बारे में, और किस तरीके से शिक्षा देते थे, कैसे पढ़ाते थे, क्या इनका रिस्पॉन्स रहा है और बच्चों के प्रति। और सबसे जो अहम बात है, क्या इनका जो कैरेक्टर है पहले से ही कुछ इस तरीके से था जो कि अब वीडियो में वायरल हो रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और सब कुछ मैं आपके साथ साझा करूंगा, और यहाँ के आम जनता भी क्या कुछ मांग कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप बिहार शरीफ में एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे और उसका ऑडियो भी सुना होगा आपने, दोनों सुनने के बाद आपका क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे शिक्षकों का क्या स्थान है बिहार शरीफ में? ऐसे शिक्षक तो पहले शिक्षक के नाम पे ये धब्बा है, और ये कि महिला के साथ इस तरह का घिलौना जो हरकत किया है, इससे मैं मांग करता हूँ SP साहब को कि वीडियो देखकर इसकी जांच करकर उस मास्टर को जल्द से जल्द अरेस्ट करके जेल भेजने का किया जाए। कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कोचिंग चालू रहना चाहिए या बंद होना? ऐसे कोचिंग को सब दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने, मैंने वीडियो में देखा, उन्होंने धमकी दिया है कि आपको उस लड़की को और उसे पूरे परिवार को सुसाइड करने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं SP साहब से मांग करता हूं कि ऐसे कोचिंग संचालन को जल्द से जल्द वीडियो देखकर उसकी जांच कर अरेस्ट करके उनको हवालात में अंदर करने का किया जाए। यही मैं नंदा SP से मांग करता हूं।